इस वीडियो में मैं अतिशेष शिक्षक स्थानांतरण हेतु जो पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश 25 जून 2019 को जारी हुआ है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो जो अतिशेष शिक्षक स्थानांतरण है वो उसके लिए क्या शर्त रहेगा, कौन से शिक्षक पात्र होंगे और कौन से शिक्षक पात्र नहीं होंगे, किस विद्यालय में कितने शिक्षक रखे जाएंगे, ये सब बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर से निकल कर आ रहा है। सागर दिनांक 22 जून 2019 को जारी किया गया है। प्रति विकास खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जिला सागर और विकास खंड स्रोत समन्वयक समस्त जिला सागर। विषय में देख सकते हैं कि राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 अंतर्गत अतिशेष का निर्धारण कर सूची प्रस्तुत करने बाबत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक F01172019201 भोपाल दिनांक 22 जून 2019 उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य संभाग एवं जिला स्तर पर दिनांक 22 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक की अवधि में स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल करते हुए वर्ष 2019-20 हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है। प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में वर्तमान में पदस्थ शिक्षकों का विषय मान संख्या मान एवं अन्य शासनादेशों के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाना है। विभिन्न स्तरों पर अतिशेष के चिन्हांकन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें। प्राथमिक शाला शिक्षकों की संख्या का निर्धारण निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के अनुसार एवं इस बाबत शासन द्वारा जारी निर्देश पद संरचना के अनुसार किया जाना है। RTE 2009 अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में पद संरचना इस प्रकार होगी। दर्ज संख्या आवश्यक शिक्षक संख्या 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक और 121 से 200 तक 5 शिक्षक, 200 से ऊपर प्रत्येक 40 पर 1 शिक्षक, 150 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक। शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध विगत 3 शैक्षणिक सत्रों 2016-17, 17-18 एवं 2018-19 की औसत नामांकन के आधार पर अतिशेष संख्या का चिन्हांकन किया जाए। अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में अन्यत्र पदस्थ करने में कनिष्ठतम शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा। कनिष्ठतम से आशय संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ होने से है, न कि पदस्थ संस्था में व्यतीत की गई सेवा अवधि से। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि 40% या उससे अधिक निःशक्त अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा निवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष न मानते हुए अगले क्रम पर उपलब्ध कनिष्ठ शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा। माध्यमिक शाला RTE अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में पद संरचना इस प्रकार होगी। दर्ज संख्या कुल शिक्षक संख्या विषय मान का क्रम 105, 3 शिक्षक गणित अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, 106 से 140 4 शिक्षक अतिरिक्त संस्कृत, 141 से 175 में 5 शिक्षक अतिरिक्त विज्ञान और 176 से 210 6 शिक्षक अतिरिक्त हिंदी। दर्ज संख्या अधिक होने पर उपरोक्तानुसार प्रत्येक 35 पर क्रमशः विषयों छात्र संख्या 100 होने पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत रहेगा। उपरोक्तानुसार विषयवार संख्या के आधार पर शिक्षकों का निर्धारण करते समय उनके स्नातक स्तर के विषय देखे जाएं, तदनुसार ही अतिशेष घोषित किया जाए। शेष निर्देश प्राथमिक शिक्षक अनुसार ही रहेंगे। हाई हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए पद संरचना शासन आदेश क्रमांक 27-2-2013 20-2 दिनांक 11-3-2013 के अनुसार
उक्त पद संरचना के आधार पर जिन विद्यालयों में संख्या मान से अथवा विषय मान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर उन्हें अतिशेष किया जाएगा। ध्यान रहे, शिक्षक को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित विषय को ही मान्य किया जाए। यदि किसी प्रकरण में नियुक्ति आदेश में दर्शाए विषय से स्पष्टता न आ रही हो, ऐसी स्थिति में संबंधित के अध्यापक हेतु स्नातक एवं वरिष्ठ अध्यापक हेतु स्नातकोत्तर के विषयों का सूक्ष्मता से सेवा अभिलेख परीक्षण करते हुए विषय निर्धारण किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रमाणीकरण संबंधित शिक्षक से इस आशय के साथ प्राप्त किया जाए कि उसके द्वारा भविष्य में इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा तथा तत्संबंध शपथ पत्र सेवा पुस्तिका में चढ़ाया जाए। अतिशेष की स्थानांतरण से संबंधित शेष शर्त उपरोक्तानुसार ही रहेगी। शासन द्वारा स्थानांतरण नीति में समय सारिणी घोषित की गई है, अतः अतिशेष का निर्धारण दिनांक 24 जून 2019 को सायंकाल 5 बजे तक अनिवार्यतः करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समक्ष में उपस्थित होकर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्य निर्देश निम्नानुसार हैं। प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में अतिशेष का निर्धारण विकासखंड स्रोत समन्वयक शासन निर्देशानुसार करेंगे। संबंधित क्षेत्र के जन शिक्षक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में अतिशेष का निर्धारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। संबंधित संकुल प्राचार्य संपूर्ण जानकारी अपने संकुल अधीन शालाओं से प्राप्त कर संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अतिशेष का निर्धारण करते समय संदर्भित पत्र द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में दिए निर्देशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वय द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई अतिशेष शिक्षक शेष नहीं है। जिन शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया जाए उन्हें संदर्भित पत्र की कंडिका 1.4 अनुसार ऑनलाइन आवेदन समय सीमा में करने हेतु लिखित में अवगत कराया जाए। संलग्न प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर दिनांक 22 जून 2019 को यह आदेश जारी किया गया है। प्रतिलिपि में यहाँ पर किया गया है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित, कलेक्टर महोदय जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर संभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सागर की ओर दूरभाष पर हुई चर्चा अनुसार कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित कराने हेतु अग्रेषित। समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी में दिए निर्देशानुसार दिनांक 24 जून 2019 को दोपहर 3 बजे तक निम्न प्रपत्र में सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराएंगे। विलंब की स्थिति में अतिशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने के लिए जिम्मेदार होंगे जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर। तो ये आदेश है जिसमें सभी अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, उसके बारे में बताया गया है और इसी तरह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ही लागू होगा कि माध्यमिक शिक्षक में उस विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या पर कुल कितने शिक्षक रखे जाएंगे और हाई हायर सेकेंडरी में कितने रखे जाएंगे और प्राइमरी शिक्षक में कितने विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक रखे जाएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी तरह शिक्षकों से संबंधित या फिर अतिथि शिक्षकों से संबंधित या फिर कोई रोजगार से संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके बारे में हम वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।